वाले बिहार में शराब छिपाने के लिए तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। टैंकर से लेकर तहखाने तक में, तालाब से लेकर कुओं तक में शराब की बोतलें छिपाए जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जैसा आपने कभी नहीं सुना होगा, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब मुर्दों का घर यानी कब्रिस्तान भी सुरक्षित नहीं है। चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या है पूरा मामला। मामला बिहार के रोहतास जिले के सासाराम का है, जहां कब्रों से बोरियों में भरी शराब बरामद की गई। यह अवैध शराब कादिरगंज में अलावल खान के मकबरा स्थित कब्रिस्तान के कब्र से बरामद हुई। साथ ही शराब बनाने के लिए उपकरण और अन्य सामान भी मिला। मतलब शराब माफियाओं ने अब कब्रगाहों को ही अपना शराब छिपाने का ठिकाना बना लिया है। पुराने कब्रों को शराब छिपाने की जगह बनाया गया है। जब कब्रिस्तान में कुछ लोग मैयत लेकर पहुंचे तो पाया गया एक पुराने कब्र में कुछ बोरे पड़े हुए हैं। जब लोगों ने इन बोरों को खोलकर देखा तो अचंभित हो गए। कब्र के भीतर बोरों में भरकर देशी शराब के पाउच रखे गए। दरिगांव थाना पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और अपनी मौजूदगी में बोरों में बंद कर रखी गई शराब को बरामद किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के कुछ लोग शराब बनाने और बेचने का काम करते हैं। ये उन्हीं लोगों की गलती, लेकिन जिस तरह से कब्रिस्तान जैसी जगहों को माफिया अपनी शराब रखने के गोदाम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान में सुनसान होने की वजह से शराबी यहाँ शराब पीने के लिए आते हैं। मामला सामने आने के बाद दरियागांव थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया, यहाँ एक कब्र की खो से 50 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद देखने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।